आज हम डार्क कलर का जो कॉम्प्लेक्शन होता है उस पर आपको मेकअप करके दिखाने वाले हैं। 38 नंबर नहीं भी है तो आप इस तरह का जो ऑरेंज कलर का ओरिएंटल में थोड़ा सा खुदा का फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं जस्ट जो है वो हाईलाइटिंग वाले एरिया जहाँ पे मुझे हाईलाइट, वो हमारा फेस काफी मतलब फेयर दिखेगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कि इस तरह का जो ग्रेड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को भी 2 से 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है ताकि आप इजी। लास्ट में मजे का कमेंट करना है और जो मैंने क्वेश्चन किया उसका भी आंसर आपको जो है वो देना है कमेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाएं क्योंकि आज हम डार्क कलर का जो कॉम्प्लेक्शन होता है उस पर आपको मेकअप करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल फेयर टोन में आप जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर मेकअप कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्रायलोन पेंट स्टिक के 2 कलर्स जो हैं यहाँ पर चूज किए हैं। फर्स्ट हमारा होगा 38 नंबर और सेकेंड हमारा होगा 45 नंबर। और अगर आपके पास 38 नंबर नहीं भी है तो आप इस तरह का जो ऑरेंज कलर का ओरिएंटल में आपको शेड मिलता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऑरेंज पीच कलर का होता है, आप उस कलर को भी चूज कर सकते हैं। मकसद ये है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो पहले आपको इस टाइप की डार्क ऑरेंज टोन की जो फाउंडेशन है उससे फेस के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमारे फेस के ऊपर कुछ पार्ट्स जो हैं वो ड्राई फील हो रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा फेस को जो है वो मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमारी टीवी पेंट स्टिक है जितना ज़्यादा हमारा स्किन ऑयली होगा उसके साथ उसकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। इसलिए हम बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल आप समझे कि ना होने के बराबर ही फेस को मॉइस्चर कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का वेदर बहुत ज़्यादा है। वैसे भी गर्मी के वेदर में आप कितना भी जो है वो वाटरप्रूफ फाउंडेशन लगा लें, आपको स्वेटिंग से बचना ही होता है, ठीक है। अगर स्वेटिंग होगी तो आपका कितना भी अच्छा फाउंडेशन होगा वो खराब होने का डर होता है, ठीक है। इसलिए जो अच्छे सैलून्स होते हैं वहाँ पे जब ब्राइड को रेडी किया जाता है तो फुल एयर कंडीशन के साथ उसको रेडी किया जाता है और साथ ही बताया जाता है कि आपने यानी कि मेकअप करने के बाद जब जिस भी मतलब के जहाँ पर भी आपका फंक्शन है वहाँ पर भी आपने ठंडी जगह पर ही रहना है, ठीक है। तो ये नहीं होता है कि आप अच्छा मेकअप कर लेंगे तो जितनी मर्जी स्वेटिंग होगी आपका मेकअप खराब नहीं होगा। मेकअप वाटरप्रूफ जरूर होता है लेकिन मेकअप को खुद आपने जो है वो एहतियात करना होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो 36 नंबर का फाउंडेशन था जिसमें जो पीच कलर का फाउंडेशन था उस फाउंडेशन को मैंने सबसे पहले एक पूरा कवर बना लेना फेस के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जब आप फेयर टोन में भी जाओगे ना तो आपकी फाउंडेशन कुछ देर के बाद जो है वो ग्रे नहीं होगी, ठीक है। आपका कॉम्प्लेक्शन जैसा आप चाहते हो, जितना ज्यादा आप वाइट चाहते हो उतना ही वाइट आप अपने कॉम्प्लेक्शन को कर सकते हो और आज के इस वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। अब सबसे पहले आपने अपने फाउंडेशन